जोमैटो में कायद कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर अपना विरोध जताया। जल्द मांग पूरी किए जाने को लेकर जोमैटो जोनल हेड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। शहर में घूम घूम कर डोर टू डोर पहुँच कर लोगों की जरूरतों का जिम्मा उठाते हुए जोमैटो में कार्यरत कर्मचारियों को अब अपनी ही चिंता सताने लगी है। इस बढ़ती महंगाई में अपने जीवन यापन करने की गुरेज से ये सभी जोमैटो के लिए कार्य कर रहे हैं। ये युवक अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग के बाफना गार्डन में इकट्ठा हुए और अपनी आवाज बुलंद की और जोमैटो के संचालक व एरिया प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी किए जाने को लेकर आवाज उठाई। गौरतलब है कि जोमैटो में कार्य करने वाले लोगों को इस बढ़ती महंगाई में अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऑफिस से मिले ऑर्डर से विचलित कर्मचारी अब काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए ये कर्मचारी अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आवाज करते हुए कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। दुर्ग में मैं जब से जोमैटो आया है, आज 3 साल हो गया मुझे जोमैटो में काम करते हुए, है ना। 3 सालों से सर हर साल नए नए रेट कार्ड ला ला के बदलते हैं और हमारे नए नए रेट कार्ड लाने से हम लोगों का 200-250 हर साल में कटौती किए जा रही है। अभी सर हम 300 का पेट्रोल डालते हैं तो मुश्किल से हमको 300 कमाना मुश्किल हो चुका है सर। ठीक है सर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दुर्ग भिलाई में जितने भी राइडर हैं 200-250-400 हम सब बंद करके बैठे हुए हैं सर। हम में फूट डाला जा रहा है और कुछ कुछ राइडरों का आईडी बंद कर दिया जा रहा है सर। खुद का मेरा आईडी ये देखो बंद कर दिया गया है कंपनी वाले ने, सिर्फ हम लोग को फूट हटाने के लिए सर। हम चुप बैठने वाले में से नहीं है सर। जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो सर ये हड़ताल आगे और जारी रहेगा सर। काला कानून हम पे थोपा गया है। सबसे पहले कि जो पहले हम रेड कार्ड पे काम करते थे, उस रेड कार्ड को इन्होंने अपने फायदे के लिए बंद कर दिया। घर चलाना मुश्किल हो गया, किराया नहीं दे रहे कई राइडर। पहले जो कमाई थी उस कमाई के हिसाब से पहले कोई ना कोई हर कोई बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद के रखा है, कोई मोबाइल खरीद के रखा है, कोई गाड़ी खरीद के रखा है। अब उसकी ईएमआई देने पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। हमारे लोकल टीएल जो यहाँ पे भिलाई दुर्ग में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि काम करना है करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। हमारे टीएल ने भी ये बात कही थी, अगर आपको रेट कार्ड चेंज करना है तो आपको हड़ताल करना पड़ेगा। और आज जब हड़ताल की नौबत आई है तो हमारा टीएल जो है, लोकल टीएल यहाँ पे है, वो सब के सब बैक हो गए हैं और हमारी कई लोगों की आईडी डिसेबल कर दी गई है। हम चाहते हैं हमारी बातें ऊपर तक सीईओ जो जोमेटो के हैं दीपेंद्र गोयल, हमारी बातें उन तक पहुँचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। हमारे यहाँ गिग्स का सिस्टम आया, जिस सिस्टम में कंपनी ने हमसे यह वादा किया कि आपको पहले से ज़्यादा अर्निंग मिलेगा, बट हम सब करके इसमें देख चुके हैं कि हमारी अर्निंग कम हो गई है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहले रेट कार्ड था वो वापस आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।